आकार में पैटर्न। आज हम बच्चों को यह सिखाएंगे कि आकृति में पैटर्न कैसे खोजते हैं और पैटर्न को कैसे पूरा करते हैं। बच्चों, किसी भी पैटर्न के नियम को पहचानने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि उस पैटर्न में कौन सी चीज बार बार दोहराई जा रही है। यहाँ एक पीले फूल और नीले फूल का समूह बनाया गया है और फिर इस समूह को बार बार दोहराकर एक पैटर्न बनाया जा रहा है। बब्बन ने भी गोलू को समझाया कि वो इस पैटर्न का नियम कैसे ढूंढ सकता है। गोलू पैटर्न ढूंढने के बारे में सीखकर बहुत खुश हो गया। उसने बब्बन से कहा, क्यों न वे एक खेल खेले और उसके घर में छिपे और भी पैटर्न ढूंढे। बब्बन और गोलू गोलू के घर में और पैटर्न ढूंढने लगे। गोलू ने उसकी दीवार पर टंगी घड़ी को देखा और तुरंत बब्बन को घड़ी की ओर इशारा करके कहा, देखो बब्बन, मेरी घड़ी में भी एक तरह का पैटर्न है। क्या तुम बूझ सकते हो कि इस पैटर्न का क्या नियम है? बच्चों, क्या आप गोलू की घड़ी में बने पैटर्न का नियम ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, यहाँ सफेद, लाल और हरी पट्टियों के समूह को बार बार दोहराकर पैटर्न बनाया गया है। अब बच्चों के सामने दो तरह की वस्तुएं रखी। अब बच्चों के लिए उन वस्तुओं का प्रयोग करके एक पैटर्न बनाइए, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ। पहले एक प्रकार के दो वस्तुएं रखेंगे, एक और दो। फिर हम दूसरे प्रकार के दो वस्तुएं रखेंगे, एक और दो। हम फिर से पहले प्रकार के दो वस्तुएं रखेंगे, एक और दो। तो अब इस पैटर्न को पूरा करने के लिए हम कौन सी और कितनी वस्तुएं रखेंगे? बिल्कुल सही, हम दूसरे प्रकार की दो वस्तुएं रखेंगे, एक और दो। क्या आप सोच सकते हैं कि इसके बाद कौन सी वस्तुएं आएंगी? इस प्रकार की दो वस्तुएं, एक और दो। इसी तरह दाल या अन्य घरेलू वस्तुओं का उपयोग करके बच्चों के लिए पैटर्न बनाइए और उन्हें पैटर्न को पूरा करने के लिए कहिए। पैटर्न को पूरा करते समय बच्चों की वीडियो और फोटो लेकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजिएगा।